नमस्कार, मैं दिव्यम्ब मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो व्यू देता हूँ बाय सेल सिग्नल का स्टॉक स्कैनर, मेरा वेबसाइट में डिस्प्ले होता है। मैं जो डिस्प्ले करता हूँ उसी का थ्रू में मैंने रोज रेगुलर व्यू देता हूँ और एडुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज़ शेयर करता हूँ। तो उसी को मैं फिर से स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट आप लोग स्क्रीन कर लीजिए। मैंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी को आप लोग स्क्रीन कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग कोई भी सेटअप यूज़ कीजिए, उसमें आपको पॉजिटिव आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 3 कर लिया, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 1 को कर लिया। उसके बाद इधर देखते आए, एमएससीडी को कॉल लेता है। एमएससीडी ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा एमएससीडी पॉजिटिव हो गया और हमें क्रॉसओवर को कॉल लेता है। सुबह हो गया और प्राइस रेट ऑफ चेंज भी पॉजिटिव है। मैंने सब पहुँच छोड़ देता है, पहले मार्केट क्लोज को देख कर लेते हैं। अपने आप हो गया बैलेंस ऑफ पावर। मैंने रिग्रेशन 3 डेज का कॉल लेता है। मैंने बोला कि लीनियर रिग्रेशन जब तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा और रिग्रेशन कर देता है। रिग्रेशन तो कॉल लिया और इस पर मुगुना बड़ा जल लिया है। एप्लीकेशन फोरकास्ट भी हो चुका है ऑटोमेटिकली। इधर से प्राइस को कुछ बढ़ा लेता है, और इधर देखते हैं और इसका देख लेता है। देखिए ये तीनों आ रहा है, इसका आप लोग नोट कर सकता है। वैसे लेवल्स इसमें आप लोग ट्रेड कर सकता है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स है। आप लोग इधर से इसका RSI बैलेंस ऑफ पावर लिस्ट पर मूविंग एवरेज ये सब नोट कर सकते हैं प्राइस समय। और इक्विटी में दिखता है इसका, देखिए मैंने इधर इसका चार्ट बनाया, लिस्ट पर मूविंग एवरेज इधर दिखता है 1345 दिखाता है। वो प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म वेरी करता है, लेकिन इसमें जो मैंने जो किया हूँ इसका कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट आएगा। एवरेज का वैल्यू इधर 1325 आ रहा है, इधर आपको 45 दिखा रहा है। प्राइस चैनल 1403 दिखा रहा है। इधर प्राइस चैनल मैं देख चेक करता हूँ, 1403 है। ओके, प्राइस चैनल का अपर बैंड। तो यह देखिए MACD लगाया, MACD का हिस्टोग्राम ये भी दिखाता है, ये दिखाता है। और ऑप्शन चेन में देखिए इधर इंक्रीजिंग
प्राइस विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम।